तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल पर पहली बार मुस्लिम देशों ने किया हवाई हमला। 3 फाइटर जेट भेजकर इजराइल में मचाई तबाही, मैदान छोड़कर भागे नेतन्याहू। इजराइल हमास जंग को लेकर ब्रिटेन से इजराइल की बड़ी मुश्किलें। ब्रिटेन के 50 से ज्यादा सांसदों ने गाजा में युद्ध विराम की कर दी मांग, इजराइल के खिलाफ संसद में किया वोट। कुरान शरीफ का अपमान करने पर मुस्लिम देशों में क्रोध, अब डेनमार्क ने बनाया सख्त कानून, कुरान शरीफ का अपमान किया तो डेनमार्क में होगी फांसी की सजा। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन ने भारत से लगाई गुहार, कहा भारत अपनी ताकत दिखाकर इजराइल से रुकवाए जंग, गाजा पट्टी को इजराइल कर रहा है तबाह। इजराइल हमास जंग के बीच कतर ने अलसिपा अस्पताल में इजरायली मिलिट्री एक्शन का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय जांच की कर दी मांग, फंस गई इजराइल की आर्मी। गाजा पट्टी में मानवीय आधार पर युद्ध रोकने की मांग वाला प्रस्ताव हुआ पास, अमेरिका, रूस, यूके ने मतदान से बनाई दूरी, फिलिस्तीनियों के समर्थन में यूएन ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल पर पहली बार मुस्लिम देशों ने किया हवाई हमला, 3 फाइटर जेट भेजकर इजराइल में मचाही तबाही, मैदान छोड़कर भागी इजराइल की सेना। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अब भीषण रूप लेती हुई दिख रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हमास से जंग के बीच मुस्लिम देशों ने पहली बार फाइटर जेट भेजकर इजराइल पर हवाई हमला किया है, जिसमें इजराइल के सैकड़ों सैनिक की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार रात लेबनान से 3 विमानों ने इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की है। ये तीनों फाइटर जेट लेबनान की सीमा से उड़े और इजराइल की सीमा में प्रवेश किए और इन्होंने इजराइल में घुसकर बमबारी की, जिसमें 70 से 80 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना इन तीनों फाइटर जेटों को रोकने में नाकाम रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब जंग और आगे बढ़ने वाली है और इजराइल पर अब मुस्लिम देश हवाई हमला करना शुरू कर दिए हैं, तो इजराइल के रोंगटे अब खड़े हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्रिटेन के 50 सांसदों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग, इजराइल के विरोध में उतरे। जो आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी के 56 सांसदों ने इजराइल के विरोध में उतरकर गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की है और कहा है कि इजराइल को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए और गाजा में जो बमबारी की जा रही है उस बमबारी को इजराइल को रोकना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन के सांसदों ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर निहत्ते बेगुनाह लोगों की गाजा पट्टी में हत्या कर रहा है, अस्पतालों पर बम बरसा रहा है, जो कि युद्ध अपराध है, इसलिए हम इजराइल से तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ब्रिटेन के 50 सांसदों ने अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे इजराइल मुसीबत में फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन ने भारत से लगाई गुहार, कहा भारत दिखाए अपनी ताकत, इजराइल हमले से हमें बचाए। जो दोस्तों आपको बता दें कि हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, इस कारण अब तक गाजा पट्टी में 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 15,00,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फिलिस्तीन ने भारत से मदद की गुहार आज लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू ने बुधवार को फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत को चल तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है, अगर भारत इजराइल और हमास युद्ध में पड़ता है तो ये युद्ध रुक जाएगा और हमास इजराइल दोनों ही भारत की बात मानेंगे, इसलिए भारत को अपनी ताकत दिखाकर इजराइल के हमलों को रुकवाना चाहिए और फिलिस्तीनियों की रक्षा करनी।
चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ के अपमान करने वालों की अब डेनमार्क में नहीं खैर। डेनमार्क की सरकार ने बनाया खतरनाक कानून। दोस्तों आपको बता दें कि यूरोप के देशों में कई जगह इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अपमान के मामले होते रहे हैं। स्वीडन में कुछ समय पहले कुरान के अपमान का मामला सामने आया था। पवित्र पुस्तक के अपमान की बढ़ती घटनाओं और मुस्लिम देशों के क्रोध के बाद डेनमार्क में कुरान को जलाने को गैर कानूनी घोषित करने की योजना पर मंगलवार को चर्चा हुई। डेनमार्क की सरकार ने कहा कि इस तरह के तनाव से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए सार्वजनिक रूप से किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने या अपमान करने की घटना को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव लाया गया है और ये प्रस्ताव जल्दी पास होगा, फिर डेनमार्क में कोई भी कुरान शरीफ या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ को जलाएगा या उसका अपमान करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से लड़ने निकले रूसी लड़ाके हिजबुल्लाह हितू हमास के साथ चेचन्या, ईरान की मिसाइलों से इजराइल होगा बर्बाद, भीख मांग रहे हैं नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब रूस के लड़ाके हिजबुल्लाह हूती और हमास के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस के चेचन्या ग्रुप ने अब हिजबुल्लाह हमास और हूती का साथ देते हुए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जंग लड़ने के ऐलान के बाद ईरान ने भी इजराइल को बर्बाद करने के लिए इन तीनों संगठनों को मिसाइल देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि लेते देते हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर बमबारी लेबनान बॉर्डर पर शुरू भी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इस लड़ाई में इजराइल तबाह हो गया है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भीख मांग रहे हैं क्योंकि इनने करोड़ों रुपये का कर्जा ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध रोकने की मांग वाला प्रस्ताव हुआ पास। अमरीका, रूस, यूके ने मतदान से बनाई दूरी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव यूएन में पास हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को विशेष सत्र के दौरान लाए गए प्रस्ताव का 12 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमरीका, रूस, ब्रिटेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नए प्रस्ताव में गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की मांग की गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा की भी मांग की गई है। हालांकि माल्टा की तरफ से रखे गए इस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल से हमले रोकने की अपील नहीं की गई है, जबकि चीन और रूस तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास का दिल खोजने के चक्कर में धड़कने क्यों बंद कर रहा इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल सिफा अब इजराइल हमास युद्ध का प्रमुख केंद्र बन गया है। इजराइल ने हमास पर अल सिफा अस्पताल को कमांड बेस के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस दावे का हमास समूह और अस्पताल के अधिकारियों ने खंडन किया है और बताया है कि अस्पताल के अंदर फिलिस्तीनियों के अलावा हमास का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अब मुस्लिम देश कतर ने कतर ने अल सिफा अस्पताल पर इजराइल के मिलिट्री एक्शन का विरोध किया है और अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है। कतर का मानना है कि अल सिफा अस्पताल पर गलत तरीके से इजराइल की सेना ने एक्शन लिया है, उस पर बम बरसाए हैं जो कि गलत है, जबकि हमास का एक भी व्यक्ति अल सिफा अस्पताल के अंदर नहीं है और ना ही अल सिफा अस्पताल के अंदर उसका अड्डा है, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय जांच में इजराइल दोषी पाया जाता है तो इजराइल बुरी तरीके से फंस सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह ने इजराइल को दे दी आज फिर से धमकी, कहा कमर्शियल जहाजों की नहीं खैर। दोस्तों आपको बता दें कि यमन के हिजबुल्लाह संगठन के चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल को पोस्टर जारी करके आज खुली धमकी दी है। नसरुल्लाह ने कहा है कि यदि उसके वाणिज्यिक जहाज व्यापार के इरादे से उसके लाल सागर स्थित सीमा से निकलते हैं तो वह उन जहाजों को समुद्र में डूब देगा। इसके लिए बाकायदा उसने अपनी कई मिसाइलें तैनात कर दी हैं। नसरुल्लाह का कहना है कि अपने द्वीपों पर लड़ाकू गोताखोरों को भी तैनात उसने कर दिया है। अनस नसरुल्लाह लगातार हमास का समर्थन कर रहा है और
19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच ये संगठन इजराइल पर 6 हमले भी कर चुका है। उसने इस दौरान अमेरिका के एक ड्रोन को भी मार गिराया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंत्री नहीं बना रही बीजेपी तो बदले राजभर के सुर, अब कांग्रेस पार्टी में जाने की बनाई तैयारी। जदोस आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का खुद को हनुमान बताने वाले सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अब कोई राम नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राजभर जब एनडीए में शामिल होने के बाद से लगातार दावा कर रहे हैं कि उनको योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से ना ही अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ और ना ही उनको मंत्री पद दिया गया। मंत्री पद नहीं मिलने से राजभर भाजपा से अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही परोक्ष तौर पर बीजेपी पर दबाव बनाना राजभर ने शुरू कर दिया है। राजभर ने कहा कि बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा कई विपक्षी नेता चाहते थे कि वह उनकी पार्टियों में शामिल हो, लेकिन उन्होंने भाजपा वाले एनडीए के साथ रहने का फैसला किया था। राजभर ने स्वीकार किया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उनसे कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया और हम बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, जिससे जो है राजभर नाराज हैं और राजभर जल्दी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में